सर हम महाराष्ट्र आते हैं, वहाँ पे आपने बहुत पार्टियों को तोड़ा, अपने पास लेके आए और अपना अलायंस मजबूत किया, फिर भी जो वहाँ के लोकल एनालिस्ट हैं उनको लग रहा है कि सिंपथी शायद शरद पवार जी के साथ और उद्धव ठाकरे, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त का आपका अलायंस है वो अच्छा करेगा परफॉर्म? पहले मैं आपके स्टेटमेंट से डिफर करता हूँ कि हमने बहुत सारी पार्टियों को तोड़ा, हमने कोई पार्टी को नहीं तोड़ा है, बहुत सारी पार्टी पुत्र पुत्री मोह में टूट गई है। उद्धव जी चाहते थे आदित्य ठाकरे सीएम बने तो उनके यहाँ से एक बहुत बड़ा कुनबा निकल गया, उनके कुनबे में से बहुत सारे लोग निकले क्योंकि आदित्य ठाकरे को वो नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाला साहब के समय से शिवसेना में काम करने वाले लोगों ने उद्धव जी को ठीक स्वीकार कर लिया, अब आदित्य को स्वीकार करे तो वो उनको मान्य नहीं था। पवार साहब भी अपनी बेटी को नेता बनाना चाहते थे, बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं थे, वो निकले। आप हमने तोड़ा ऐसा मत करो, पुत्र पुत्री मोह ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है, ये वास्तविकता है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, तीनों पार्टी के बीच में ज्यादातर सीटों का बंटवारा नाम के साथ हो चुका है, कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला है। और डिस्प्यूट होगा ये मानकर अगर इंडी अलायंस अपना सीट घोषित नहीं करता है तो जल्दी कर दे, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है।